जिंदगी में सब कुछ हासिल करने की इच्छा किसकी नहीं होती, सबसे आगे रहने की इच्छा किसकी नहीं होती, पैसे कौन नहीं कमाना चाहता, नाम किसको अच्छा नहीं लगता। लेकिन आज मैं चाहता हूँ आपका नाम सबसे लास्ट में हो, उस लिस्ट में जिस लिस्ट का नाम है हार मानने वाले लोग। अगर आज मैं 100 बंदे से कहूँ कि कल से रोज सुबह 7 बजे उठना है एंड वो 100 के 100 बंदे अभी मान भी जाएंगे, तो कल सुबह पता है क्या होगा? 100 में से सिर्फ 80 लोग ही उठेंगे। परसों क्या होगा? 80 में से सिर्फ 50 लोग ही उठेंगे। तीसरे दिन क्या होगा? 50 में से सिर्फ 20 लोग ही उठेंगे। चौथे दिन सिर्फ 10 लोग ही उठेंगे। पांचवे दिन 5 लोग ही उठेंगे। छठे दिन 2 लोग ही उठेंगे। लेकिन 100 में से जो आखिरी बंदा है, जो उस लिस्ट का 1% है, वो उस काम को नहीं छोड़ेगा जो टारगेट उसने अपनी लाइफ में फिक्स किया है। चाहे उसको IAS बनाना हो, उसको एक सिंगर बनाना हो, एक एक्टर बनना हो, आर्मी ज्वाइन करनी हो, डॉक्टर बनना हो, कुछ भी करना हो, वह बंदा उस हार मानने वाली लिस्ट में हमेशा सबसे लास्ट में रहता है। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि जिसको दुनिया सबसे लास्ट में समझती है वो सबसे लास्ट में नहीं होता, बल्कि दुनिया में 1% इंस्पायरिंग लोगों में होता है। और इसी वजह से उनको लाइफ में वो सब मिल जाता है जो उन 90% लोगों के पास नहीं होता है। जिस टारगेट को पाने के लिए 90% लोग ख्वाब देखा करते हैं ना, सेम उसी टारगेट को वो 1% लोग हासिल कर लेते हैं जिन्होंने अपने 90% सुखों का त्याग कर दिया है। 100% तो कोई भी नहीं होता, लेकिन परफेक्ट बनने का इरादा 100% होना चाहिए। और कुछ लोग तो 1% के भी 1% में होते हैं, लाखों में एक होते हैं, करोड़ों में एक होते हैं, पूरी दुनिया में गिने चुने होते हैं। लेकिन उसकी शुरुआत है ना, वो उसी लिस्ट से होती है जो मैंने आपको शुरू से बताई थी। जिंदगी में सब कुछ छोड़ने की हिम्मत कर लेना, लेकिन मेरे दोस्त हिम्मत छोड़ने की हिम्मत मत करना। जिंदगी में किसी भी हार को गले लगा लेना, लेकिन हिम्मत हारने की हार को कभी गले मत लगाना। अगर आपको दुनिया के 1% के लोगों में आना है तो उस माइंड सेट से बाहर निकलना पड़ेगा जिसमें आपके आसपास के 90% लोग फंसे हुए हैं। वह 90% ये सोचते हैं कि जो काम आप कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं कहता हूँ फर्क पड़ता है मेरे दोस्त। जो पत्थर नदी में गिरता है ना, वो 1 महीने में चिकना हो जाता है, लेकिन आप तो इंसान हो। इंसान में सक्सेस की चिकनाहट उसी दिन से आने लगती है जिस दिन वो उन हार मानने वाले लोगों के लिस्ट में सबसे नीचे आ जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम।